बहुत से लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी किया करें, क्योंकि हम ही इस एमडी कैट के टॉपिक को सबसे ज्यादा कवरेज दे रहे हैं मोमेंट बाय मोमेंट। तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होकर मजीद वीडियो बनाएं, और कोशिश करें कि हमारी वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई इन्फो मिस ना हो सके और कोई मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टूडियो, और हॉट न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमडी कैट को लेकर कितना सारा एक फस क्रिएट हो गया है, और अब मल्टीपल केसेस अलग अलग शहर के हाई कोर्ट्स के अंदर दायर किए जा रहे हैं पीएमसी के टेस्ट के खिलाफ। अब एडवोकेट जिब्रान नासिर ने एक ट्वीट की है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, #MDCAT as a lot of students parents are contacting me about what our purpose petition before honorable Sindh High Court will be seeking, I am sharing same for clarification. Please note, this is only my view and any student disagreeing with it has every right to approach court separately. इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स उन्हें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि उनका क्या पर्पस है कोर्ट के सामने पेटिशन रखने का। तो वो इस ट्वीट, एक और ट्वीट उन्होंने किया, उसके अंदर वो अपना व्यू बता रहे हैं कि मेरा ये व्यू है, अगर इस व्यू के अगेंस्ट कोई, मतलब इस व्यू से हटकर कोई किसी को पेटिशन दायर कराना है तो वो करा सकता है अलग से सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इस पोस्ट के अंदर डाला है फेसबुक पर, ये आप देख सकते हैं। #MDCAT since I am getting a lot of queries from students and parents that what would our petition in Sindh High Court be seeking, I am sharing the same for clarity to address any confusion. Please note that we will not file any petition in Sindh High Court as yet, but will be filing same soon. Our purpose petition does not seek for the test to be reconducted, nor do we think giving grace marks is a solution. PMC itself promised a common syllabus, which means only topics which are common to all provinces, but that did not happen. Hence, our prayer to court will be that for students of each province, questions which were out of their respective provincial syllabus should be excluded and their percentage be calculated based on the remaining question. Same policy should apply to federal students. This is the only way that we can ensure that students of each province are only tested and allotted marks on questions which came from their respective provincial syllabus. Reconducting the test would add to stress and ongoing harassment of students by PMC. In the meanwhile, we will pray to court that it should restrain PMC from releasing the marks of MDCAT till this controversy is resolved. Iska matlab ye hai, wo ye keh rahe hain ki इसमें वो इस ट्वीट के अंदर या इस पोस्ट के अंदर वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि जो वो रखेंगे कुछ दिनों के अंदर एज अ पेडिशन सिंध हाई कोर्ट के आगे। उसमें ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड बिल्कुल ये नहीं है कि टेस्ट रिकंडक्ट किया जाए या फिर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाए। वो सिंपली ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोविंशियल सिलेबस से आउट क्वेश्चन है उस प्रोविंस के बच्चों के लिए वो एक्सक्लूड कर दें मार्किंग के अंदर, और मेरिट में सिर्फ उन क्वेश्चन को ही मार्किंग को रखें जो उनके प्रोविंशियल सिलेबस के अंदर है, फॉर ईच प्रोविंस अलग कर दें सेपरेट, और उसके ऊपर मार्किंग करें और एमडी कैट ले लें। वो जानते हैं कि रिकंडक्शन जो होगी वो स्ट्रेस, एक नई स्ट्रेस और एक हैरेसमेंट होगी स्टूडेंट की तरफ से पीएमसी को। तो अब हम सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं कोर्ट से कि वो एमडी कैट के रिजल्ट को रोक दे, अपने मार्क्स को रिलीज करना रोक दे पीएमसी, ताकि जब तक कि ये कॉन्ट्रोवर्सी रिजोल्व नहीं होती। एजुकेशन के बारे में और न्यूज जानने के लिए और एमडी कैट के बारे में और खबरें जानने के लिए कि अब एमडी कैट का क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्या कोर्ट केस होगा, क्या होगा अगर कोर्ट केस होगा तो उसके बारे में क्या खबरें होंगी, मेरिट क्राइटेरिया दो टेस्टों का कैसे बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट क्या होगा, कॉलेजेस का मेरिट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, इंटरव्यू में प्राइवेट सेक्टर के एडमिशन के लिए में इंटरव्यू की क्या मेरिट की क्वांटिटी होगी, क्या होगा इंटरव्यू में, क्या हो सकता है, क्या पब्लिक कॉलेजेस के लिए भी कोई इंटरव्यू रखा जाएगा या मैट्रिक के मार्क्स ही रखे जाएंगे, या फिर पब्लिक का क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट एडिशन करा सकती है,
अब आगे भी क्या हो सकता है सबके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम एमडी कैट के तलबा को पता चल जाए कि अब उनके साथ क्या हो सकता है और वो इससे आगाही रखें। शुक्रिया।